हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च फैमिली में। गाइस, आज मैं लेके आया हूँ एक पावरफुल स्ट्रैटेजी जिसका नाम है 9:30 AM स्ट्रैटेजी। यस, मुझे पता है 3 हफ्तों से आप इस स्ट्रैटेजी का वेट कर रहे हो, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ 9:20, 9:25 एंड 9:30। ये तीनों स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल है और बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये लगा लो 90% प्लस एक्यूरेसी लेवल मैं आपको इसके अंदर दिखा सकता हूँ डेली बेसिस पे। सो इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें? बहुत सारे मेरे भाई हैं जो कि इंट्राडे में ट्रैपिंग में आ जाते हैं। स्टार्टिंग के 15 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में ही आप लोग ट्रैप हो जाते हो। जो लोग सोचते हैं कि इंट्राडे में पैसा नहीं बनाया जा सकता, मेरे भाई इंट्राडे में इतना पैसा बन सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इंपॉर्टेंट इज आपको बनाना आना चाहिए। टॉप सीक्रेट विद निफ्टी, यहाँ पे अगेन लॉजिक विद निफ्टी के साथ दूंगा। 9:30 AM स्ट्रैटेजी विद प्योर लॉजिक, ट्रेड विदाउट टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि कोई दिमाग नहीं लगाना कि भैया कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या नहीं है। सिंपल, सुबह सुबह आओ, अपना ट्रेड करो, बिंदास पैसा बना के लेके जाओ, राइट? तो आज मदर्स डे है, मैं आप सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे टू ऑल लवली मदर्स। किंग रिसर्च फैमिली की तरफ से, हैरी की तरफ से, मैं आपका बेटा जैसा हूँ, प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं और ग्रो कर सकूँ। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, आज जो स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ कुछ इसी से मिलता जुलता है 9:30, जिसमें जिधर मम्मी जाएगी उधर बच्चा ऑटोमेटिकली जाएगा। सो नोट, 9:30 AM स्ट्रैटेजी, 9:20 AM स्ट्रैटेजी कैंडलस्टिक्स आर कॉमन। आपको अगर याद होगा 9:20, 9:30, 9:25, ये तीनों स्ट्रैटेजी जो मैंने दी है, जिसने नहीं देखा है प्लीज जाके मेरा 9:20 वाला स्ट्रैटेजी देख लेना, 9:25 भी देख लेना और 9:30 भी देख लेना। तो ये जो तीनों का जो कॉमन कैंडल का रूल है वो यही है मेरे भाई। किसी ने मिस किया तो दोबारा आप समझ लो, यहाँ पे मैं आपके लिए दोबारा बता देता हूँ सिंपल सी भाषा में। दिस इज मोस्ट बुलिश कैंडल, पावरफुल ग्रीन कैंडल है, राइट? दिस इज सेकेंड मोस्ट बुलिश कैंडल, यानी कि बॉस भले ही आपको छोटा सा कैंडल दिख रहा है ग्रीन, इसको पावरफुल मानना है। ये भी आपका पावरफुल कैंडल है, राइट? ग्रीन कैंडल है। और गाइस, आप इसको बेयरिश कैंडल बोलते हो, मेरे दोस्त ये बेयरिश कैंडल नहीं है, ये मेरे लिए भी पावरफुल कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे नीचे बाइंग प्रेशर इसमें जनरेट हुई है और छोटा सा बॉडी आया। आप खुद देखो विक कितनी बड़ी और छोटा सा बॉडी है। तो अगर ये चारों कैंडल मेरे को ग्रीन में दिख रहा है, इंक्लूडिंग दिस थर्ड वन, लास्ट वन वाला भी अगर मुझे ऐसा दिख रहा है, तो भी मैं बाई करने का सोचूंगा इंस्टेड ऑफ सेलिंग। प्लीज ये चीज मेरा समझ लेना। 9:20, 9:30, 9:25 तीनों के लिए सेम रूल है। निफ्टी स्पॉट, यस, मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूं, नो फ्यूचर्स का कैंडल। और प्लीज जितने लोग जीरोधा यूज करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज जीरोधा का चार्ट यूज मत करिएगा। मैं ट्रेडिंग व्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे अपना अकाउंट बनवा लीजिए, उसमें बता रहा हूं, ठीक है? सो मैं बाई सेटअप की बात करूंगा अब आपसे। रूल नंबर वन, एक ही रूल है इसका मेरे भाई, अगर निफ्टी फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल ग्रीन, तो हमें स्टॉक्स में भी बाई करने का सोचना है। अगर निफ्टी का फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल रेड है, तो हमें स्टॉक्स को भी सेल करने का सोचना है। बट कैसे स्टॉक सिलेक्शन किया जाए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल। बॉस, अगर निफ्टी का फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, तो आपको सिर्फ बाई का सोचना है, राइट? इसका मतलब हमें वही स्टॉक्स को सिलेक्ट करने हैं जो कि पहला कैंडल ग्रीन होंगे। निफ्टी ग्रीन पहला कैंडल 15 मिनट्स का, स्टॉक्स में भी फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल ग्रीन होना चाहिए, राइट? अब वो 15 मिनट्स का कैंडल जैसे ही हाई ब्रेक करेगा, आपको बाई करनी है 0.10 का बफर लगा के। कितना? 0.10 का बफर लगा के आपको एंट्री लेनी है विद टाइट स्टॉप लॉस। जो डे लो का हमारा स्टॉप लॉस होगा, बिल्कुल जो डे लो इन द सेंस फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल का जो लो है, पहला कैंडल का जो लो है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा देंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल सेटअप। निफ्टी पहला 15 मिनट का सिंपल स्ट्रेटेजी, रेड है पहला कैंडल, रेड है स्टॉक का भी पहला 15 मिनट का कैंडल रेड है, देन हमें उस स्टॉक में सेल करना है, क्योंकि निफ्टी ने पहला रेड दे दिया, सेल का सोचना है। अब किन स्टॉक्स में सेल करना है? जिसका पहला 15 मिनट का कैंडल हमारा रेड होगा, जो कि मैंने आपको कंडीशन बताई है, चार जो कंडीशंस बताई है उसके हिसाब से। कौन सी कंडीशंस? कैंडलस्टिक का जो गेम है, कैंडलस्टिक कौन सा रेड भी है तो भी हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, सेलिंग मानते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट, राइट? एंट्री
पहला 15 मिनट के कैंडल के लो के नीचे आपको सेल करना है, 15 मिनट्स का जो पहला कैंडल है उसके नो के नीचे यानी कि 0.10 का माइनस कर देना उसके नीचे, वहां पे आपको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस डेज हाई, स्ट्रिक्टली यू नीड टू फॉलो स्टॉप लॉस डेज हाई का। नोट, ऑलवेज ट्रेड विद टाइट स्टॉप लॉस बिकॉज स्टॉप लॉस ही भगवान है रिटेल ट्रेडर्स का। सो इस स्ट्रैटेजी का कुछ रूल्स है, बिना रूल्स के कोई भी स्ट्रैटेजी पावरफुल नहीं बन सकती मेरे भाई। तो पहला जो रूल है टाइमिंग, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ टाइमिंग। अगर आपको टाइमिंग पता है तो ही आप पैसा बना सकते हो। कितना पावरफुल आपके पास स्ट्रैटेजी है तो भी नहीं बनेगा भाई, दिमाग लगाना, प्योर गेम ऑफ टाइमिंग है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, डोंट टेक फ्रेश एंट्री आफ्टर 10:45 AM, यानी कि पहला 15 मिनट का कैंडल, 9:15 में मार्केट खुला, 9:15 से 9:30 तक यू शुड वेट। निफ्टी अगर ग्रीन है, स्टॉक भी ग्रीन है, तब बाई करेंगे, यानी कि 9:30 के बाद हम एंट्री का सोचेंगे। कब तक? 10:45 तक अगर हमें कैंडल में एंट्री मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज वी विल डू नॉट ट्रेड। ट्रेड विद टाइट स्टॉप लॉस, जो भी हाई और लो का होगा वो हमें डे का स्टॉप लॉस लगाना है। ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 मिले लेके बुक करो मेरे भाई। डोंट ट्रेड विच इज ओपन अबव और बिलो 2%। अब ध्यान से समझना, ये जो स्टॉक की मैं गेम बता रहा हूं ना, जो स्टॉक का पहला 15 मिनट का कैंडल ग्रीन और रेड होगा, कितना परसेंट? 2% के नीचे होना चाहिए। अगर रेड है 2%, उस पूरे जो कैंडल की मूवमेंट है 2% से कम की होनी चाहिए। 2% से ज्यादा की मूवमेंट है तो भैया झोल है। इसका मतलब कैसे हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। अप टू 1 PM यू शुड क्लोज ऑल योर पोजिशंस। 10:45 तक आपको एंट्री लेनी है और 1 बजे तक अपनी सारी पोजिशंस क्लोज कर देनी है, बात खत्म, सेलेक्ट ऑल करके एग्जिट, करेक्ट। ट्रेड विद SRM strategy, ऑलरेडी शेयर ऑन यूट्यूब मेरे भाई, ऑलरेडी शेयर मैं यूट्यूब में कर चुका हूँ। SRM strategy किंग रिसर्च का डालना आपको वहां पे मिल जाएगा, वहां पे किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का जो गेम है, क्योंकि मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट नहीं लगाया तो भूल जाओ, पैसा बना सकते हो। माई सीक्रेट, अगर मेरे से पूछोगे, कीप मॉडिफाई स्टॉप लॉस एट कॉस्ट एंड होल्ड टिल 3 PM। 1% की मूवमेंट आई, आप तुरंत मॉडिफाई योर स्टॉप लॉस एट कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, बैंग ऑन टिल 3 o'clock। जिस दिन आना होगा छप्पर फाड़ के देगा भाई। मैं 100 सुनार की किंग रिसर्च की बात करता हूँ, हमेशा बड़े टारगेट्स की बात करता हूँ। आई डोंट बिलीव 1:2, 1:3, सिंपल सी बात है। आई एम रेडी टू गिव 1:2, बट जिस दिन टॉप गेनर होगा वो आपका पूरा मैक्सिमम पॉइंट खाओगे। नोबडी विल प्रिडिक्ट मार्केट कितना हाई जाएगा कितना लो जाएगा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, सब बोल बच्चन। यहां पे अगर आपने सही चीज पकड़ी है बॉस, उसको पकड़ के रखना है। इस स्ट्रैटेजी में यही बताना चाह रहा हूं, इसलिए मेरा मॉडिफाइड स्टॉप लॉस कॉस्ट कॉस्ट लगा दिया भाई, अब मेरा कोई रिस्क है ही नहीं। या तो उस दिन आएगा या तो आएगा तो छप्पर फाड़ के आएगा, बात खत्म, राइट। तो चलिए मैं अब ले चलता हूं स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए, जो आप लोगों का क्वेरीज आता है, किस चार्टिंग प्लेटफॉर्म में यूज करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। लुक एट दिस, सो राइट, यहां पे ये ट्रेडिंग व्यूज है, ट्रेडिंग व्यूज का अकाउंट है। यहाँ पे आपको अपना बना लेना है अकाउंट, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट आपको लगाना है, पहला कंडीशंस। यहाँ पे सर ऐड सिंबल में जाके मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टॉक सिलेक्शन का लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। तो वो स्टॉक्स को आप यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे ऐड कर लेना, वॉच लिस्ट बना लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने लिए बना रखा है यहाँ पे, राइट। अब क्या करूंगा, 9:30 पे मुझे चेक करना है बॉस मेरा निफ्टी का पहला 15 मिनट का कैंडल क्या है। This is power of red candle, right? इससे मैं क्या सोचूंगा, सिर्फ और सिर्फ सेल का सोचूंगा, राइट। अच्छा, इसमें मैं क्या सोचूंगा, ये भी तो एक रेड कैंडल है, लेकिन ऊपर भी स्पाइक है, नीचे भी स्पाइक है, तो ये मेरे लिए ऑलमोस्ट कचरा कैंडल है, इस दिन मैं कुछ ट्रेड नहीं करूंगा। ये पावरफुल सेल कैंडल, तो मैं यहाँ पे सेल करने का सोचूंगा। ये पावरफुल सेल कैंडल, यहाँ पे सेल करने का सोचूंगा। पावरफुल कैंडल, सेल करने का सोचूंगा। बाई करने का सोचूंगा, सेल करने का सोचूंगा, सेल करने का सोचूंगा, सेल बाई करने का सोचूंगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? इतने सारे एग्जांपल इसलिए लिए हैं जिससे कि आपको समझ में आ सके निफ्टी का कौन सा कैंडल देखना है। कुछ लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पहला कैंडल क्या था फ्राइडे को बॉस, 8 मई को, रेड कैंडल। आई विल थिंक अबाउट ओनली फॉर द सेल्स, ठीक है। अब देखो सर मजे की बात, ये देखो पहला कैंडल रेड और इसकी जो मूवमेंट है आप नोटिस करो,
2% से ज़्यादा की गिरावट नहीं आई है, यानी कि सर 9:15 से 9:30 के बाद 9:30 होते ही आपको यहाँ पे परसेंटेज चेंज पे क्लिक करना है। जैसे ही परसेंटेज चेंज पे क्लिक करेगा, देखो कितने आसानी से टॉप गेनर और टॉप लूजर आपको उस टाइम पे 9:30 के टाइम पे जो भी होंगे वो दिखा देंगे। तो जो स्टॉक 2% के नीचे है उनको मैं रडार पे लूंगा, जो स्टॉक 2% से ऊपर के हैं उनको मैं छोड़ दूंगा, उनको कुछ हाथ नहीं लगाऊंगा। लॉजिक बताऊंगा उसका भी, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। पहला 15 मिनट का कैंडल आरबीएल बैंक का देखिए सर, यहाँ पे सर ठोका, कितने पे एंट्री मिली? 11 o'clock पे एंट्री मिली। क्या हमें 11 बजे एंट्री लेनी है? आई एम सो सॉरी, हमें एंट्री लेनी है 10:45 तक। प्लीज फॉलो द रूल्स, प्रिंट आउट लेके रूल्स को फॉलो कर लेना मेरे भाई। देखो एंट्री मिली 321 पे, एंट्री मिली नॉन स्टॉप 300, 21 रुपए का। अगर होल्ड नहीं करोगे तो 21 रुपए कहां से मिलेंगे? आप ट्रेड करते हो 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए के लिए, सोचते हो कि अरे 5-6 हजार रुपए बन गया, छोड़ो भाई 5-6 हजार से भूख नहीं भरेगी। थिंक लाइक अ बिग शार्क, बड़ा सोचो मेरे भाई। देखो पहला कैंडल रेड, सेल किया, स्टॉप लॉस यहां पे लगाया, ऑलमोस्ट इसी के आसपास खुला है, क्योंकि इसी के आसपास है राइट, प्रीवियस डे यहां क्लोज हुआ था यहीं पे खुला है। और देखो सर मजे लो, 237 से 225 BL, ये देखो पावरफुल 62 से 59 एक्सिस बैंक, क्या ग्रीन कैंडल है बॉस, क्या इसमें एंट्री करनी है? नहीं करनी है, छोड़ दो। PFC देखो पावरफुल, यस बैंक देखो, हेक्सावेयर भाई रिजल्ट आपके सामने है, 245 से लेके 235, 10 रुपए मैंने खाए अगर मैं अपने रूल से चल रहा हूं तो। भाई इसमें देखो पहला कैंडल रेड, सेल का सोचना है, कब आया एंट्री? यहां पे आया 12 बजे, क्या मैं एंट्री लेनी है? सॉरी मेरे भाई, 9:20 में आपको सिर्फ 5 मिनट का मौका मिलता था एंट्री के लिए। और बहुत सारे लोग बोलते थे सर 5 मिनट में कैसे एंट्री लो, पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा मुझे, मैं कच्चा हूँ, मैं इतना समझ नहीं पाता हूँ, मेरी एज ज़्यादा है, मार्केट में नया नया आया हूँ, 10 तरह के एक्सक्यूज आपने डाल दिए। मेरे भाई यहाँ पे आप, मैंने आपको 15 मिनट का दे दिया, अब यहाँ पे वो सेम एक्सक्यूज मत लाना। अगर नहीं कर पा रहे हो समझ लो आप स्टॉक मार्केट के लिए बने ही नहीं, इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो कैसे पैसा बनाओगे भाई। इंडसइंड बैंक रिजल्ट नहीं करना ही नहीं है, ठीक है। PL देखो 9:10 से सर 30 पॉइंट्स की मूवमेंट, चेक इट आउट BML, क्या पावरफुल लेवल्स है, गेटिंग पॉइंट, समझ में आ रही है स्ट्रेटेजी? कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना कैसी लगी स्ट्रेटेजी, बैक टेस्ट करना अपने हिसाब से, जरूरी नहीं कि इसको देखना भाई, अपने हिसाब से जितने दिन का बैक टेस्ट कर लेना। आज नहीं, मेरे पास प्रॉपर इसका भी एल्गो है, आई हैव एल्गो 920, आई हैव एल्गो 925, आई हैव एल्गो 930। अपना एल्गो का सेटअप मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, क्यों? किसी टिप्स प्रोवाइडर को पैसे नहीं देने हैं आपको। अच्छा ये तो टॉप लूजर हो गए, अब मेरे भाई कुछ टॉप गेनर उठा लें, क्योंकि बहुत सारे लोग बोले सर टॉप गेनर वाले क्यों नहीं उठाए। देखो सर यहाँ पे प्रीवियस डे 1998 के आसपास क्लोज हुआ है, उसके बाद गैप अप देखो 2063 पे रेड कैंडल है, क्या इसमें ट्रेड करना है? सॉरी 2% से ज्यादा का गैप अप दिख रहा है मेरे को, आई विल नॉट गो फॉर द ट्रेड, सॉरी। ये देखो भाई गैप अप देखो, करना ही नहीं है, आएगा ही नहीं, डॉक्टर रेड्डी सॉरी, भले रेड है। हाँ ये देखो 453 से 460, 53 से 60 कितने पॉइंट का? 7 पॉइंट्स का है, और 450 रुपए का स्क्रिप्ट है। एज यू विश, लेना चाहते हो ले लो, एंट्री मिली ही नहीं है, ऊपर ही है तो लेके भी क्या करोगे मेरे भाई, राइट? देखो बॉस काफी गैप अप है, छोड़ दिया बॉस। हाँ ये देखो एंट्री नहीं मिली, अपोलो हॉस्पिटल देख लो सर, एंट्री नहीं मिली, वोल्टास देख लो मेरे भाई, राइट? मजा आ रहा है, 1 बजे आपको पोजीशन क्लोज कर लेनी है। तो अगर आपने इस केस में 1 बजे ही पोजीशन क्लोज करी तो जहां पे आपने एंट्री बनाई थी ऑलमोस्ट उसी के आसपास क्लोज हो गई। मेरे भाई ध्यान से समझना, इसको कोई भी फ्यूचर में काम नहीं करेगा, ओनली कैश,
रिस्क मैनेजमेंट लगाओ, मैंने जो लॉजिक दिया है 100 रुपए का रिस्क से स्टार्ट करो, 100 का 200 करो, 200 का 500 करो, 500 से 1000 करो, एक स्ट्रैटेजी को फोकस कर लो। ऑलरेडी 10 से 11 स्ट्रैटेजी मैं आपको YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुका हूँ, मेहनत करके बनाइए भाई, ध्यान से समझना। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी स्ट्रैटेजी? और अगर आपको मेरी ये स्ट्रैटेजी समझ में आया हो, लगाओ पावरफुल है, तो गाइस इमीडिएट बेसिस पे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, मैं आप लोग के लिए एक पावरफुल मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे चुना जाए वो लेके आया हूँ स्ट्रैटेजी, जो 23 मई को मेरा क्लास चालू होने वाला है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना डिटेल्स भाई, पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है, जिसमें आ रहा है 300 से 500% की बात कर रहा हूँ इन 5 ईयर्स के अंदर, प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन के साथ, वो नहीं जो निफ्टी में आप लोगों को इन्वेस्ट कराते हैं कि भैया निफ्टी के अंदर है तो उसमें इन्वेस्ट कर लो, कहीं नहीं जाने वाले। सॉरी मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आप देखते भी नहीं हो, आपको लगता है कि यार कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर बहुत बड़ा काम चल रहा होता है, जिसको बड़े बड़े FIs DIs उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। अगर मैं आपको वो सीक्रेट बता दूं कि कैसे पता चलेगा कि बड़े FIs DIs इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखे हैं, और मूल मंत्र बता दूं तो पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बैक टेस्ट लाइव दिखाऊंगा 23 तारीख को सुबह 11 बजे, सैटरडे का दिन है। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इमीडिएट कॉल करिए और सीट बुक कर लीजिए तुरंत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल है, राइट। और अगर समझ में आए प्लीज, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन 8468811500, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो, जिससे कि हमारा जो मोटो है, किसी भी टिप्स एडवाइज़र को पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े, किसी भी PMS वाले को अपने पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े, खुद सीखो, खुद अपना पोर्टफोलियो बनाओ, खुद इन्वेस्ट करो, खुद ही करो मेरे भाई। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लूंगा, जल्दी ही ऑप्शंस की पावरफुल स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। स्टे होम एंड स्टे हैप्पी गाइस, हैप्पी मदर्स टू ऑल मदर्स, थैंक यू। सौ सुनार की एक इंच रिसर्च की, सौ सुनार की एक इंच रिसर्च की, सौ सुनार की एक इंच रिसर्च की, थैंक यू।